वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम अपना वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए भी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन द कमिंग वीडियोज़ हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन। नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। फिर से देखेंगे बाइनरी अर्थमेटिक। उसके बाद हम देखेंगे बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में हम तीन टाइप के कोड देखेंगे, बाइनरी डेसिमल कोड, एक्सेस ट्री कोड एंड ग्रे कोड। उस देन आफ्टर हम देखेंगे मिनिमाइजेशन टेक्निक। मिनिमाइजेशन टेक्निक में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, के मैप एंड क्यू एम मेथड। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में बहुत सारे सर्किट आते हैं, ऐसे हम देखेंगे बाइनरी एडर, एडर में फुल एडर, हाफ एडर, फिर बाइनरी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। उसके बाद हम देखेंगे सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में हम देखेंगे लैचेज, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप के डिफरेंट टाइप जैसे डी फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के। फिर उनके कन्वर्जन भी देखेंगे कि एस आर से जे के से टी, टी से ने भी कन्वर्जन होते हैं, सारे कन्वर्जन देखेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे काउंटर। काउंटर में दो टाइप के काउंटर होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। उसके बाद हम देखेंगे रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर भी देखेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट वगैरह वगैरह, जितने भी होते हैं सारे हम कवर करेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट में हमारा होगा रैम, रोम, पीएलए, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक और प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ये दोनों देखेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे कि डिजिटल सर्किट में कौन कौन से हैजार्ड्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में हमें चार टाइप का नंबर सिस्टम पढ़ना है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ये हमें फोर टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, ठीक है। अब हर नंबर सिस्टम का अपना अपना एक बेस होता है। बेस बोले तो इसमें कितने नंबर होंगे, ठीक है। बाइनरी से तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके बेस टू होंगे, इट मीन्स इसमें दो नंबर होंगे। और वो कौन कौन से नंबर होंगे, जीरो और वन, दो ही नंबर होंगे। ऑक्टल 8 नंबर होंगे इसमें, कौन कौन से, 0 to 7, 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल, डेसिमल में 10 नंबर होंगे और वो कौन कौन से होंगे, 0 to 9, 3 4 5 8 and 9। हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल बोल तो 16, 16 इसमें नंबर होंगे, कौन कौन से, 0 to 9 तो ये होंगे ही, 6 7 8 एंड 9। इसमें 10 नहीं आएगा, 10 की जगह आएगा ए बी सी डी ई एंड एफ। ये हो गया 10 11 12 13 14 15, 0 to 15 ये हो गया हेक्साडेसिमल। तो इन नंबरों से हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें सीखना क्या है कि बाइनरी से, बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हो, बाइनरी नंबर दिया हो कोई भी, उसको ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में। ऑक्टल दिया हो बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल, इन सब का आपस में कन्वर्जन में सीखना है बस। तो हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी से, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पर सी आई एम ए एल। तो जैसे कोई भी बाइनरी नंबर में हमें तो बस दो ही नंबर यूज करना है, 0 और 1। तो जैसे कोई बाइनरी नंबर ले लेते हैं 1000, ये बाइनरी में है तो बाइनरी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में बेस में लिखते हैं 2, और इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में, डेसिमल में लिखते हैं 10। अब हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लिखिए या क्वेश्चन मार्क का सिंबल दीजिए। तो ये क्वेश्चन रहता है ऐसे कि बाइनरी में नंबर दिया उसको डेसिमल में चेंज करना है, कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना हमें, ये जो भी नंबर है 1000 ऐसे, इसको हम लेते हैं 2 पे पावर 0, इस पोजीशन को लेते हैं 2 पे पावर 1, इस पोजीशन को लेते हैं 2 पे पावर 2, और इस पोजीशन को लेते हैं 2 पे पावर 3, ऐसे बढ़ते जाते हैं। इस साइड से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, और 0 से स्टार्ट करते हैं पावर पे,
तो ये हो जाए, और इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दे, जैसे ये 0 है, 0 इंटू 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 क्या होगा, 1 प्लस यहाँ पर क्या है, 0 इंटू 2 पे पावर क्या है, 1, 2 पे पावर 1 क्या होगा, 2 होगा, प्लस 0 है, 0 इंटू 2 पे पावर 2, 4, ये क्या है, 1 इंटू 2 पे पावर 3, 8। अब इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 और ये टोटल हो जाएंगे 0, ये हो गया 8। इट मीन्स ये जो बाइनरी नंबर था उसका डेसिमल क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8, तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, 100002 का क्या आया, 8 डेसिमल में। ऐसे एक और हम बाइनरी नंबर लेते हैं, ये 1, ये बाइनरी नंबर में है, और इसको हमको किस में चेंज करना है, डेसिमल में, ऐसे सिंबल देते हैं क्वेश्चन में। तो ये 1 1 1 1 4 बार, इस पोजीशन को क्या लेते हैं, 2 पे पावर 0, इस पोजीशन को 1, 2 पे पावर 2, इस पोजीशन को लेते हैं 2 पे पावर 3, ऐसे असेंडिंग में चलते हैं। तो 1 इंटू 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 इट मीन्स 1, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 1 इट मीन्स 2, 1 इंटू 2 पे पावर 2 इट मीन्स 1 इंटू 4, 1 इंटू 2 पे पावर 3 इट मीन्स 1 इंटू 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 15। इट मीन्स ये जो बाइनरी नंबर है 4 टाइम्स 1, इसका डेसिमल में क्या होगा, 15। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बाइनरी नंबर में अगर ये कोई नंबर हो जैसे पॉइंट वाला हो, इसको कैसे चेंज करेंगे, ये बाइनरी में दिया हुआ है और इसको डेसिमल में हमें चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो हम सिंपली ये रखेंगे, 1 0 0 0, 3 टाइम्स 0 प्लस 1.10। डेसिमल के इस साइड के वैल्यू को 2 पे पावर 0, इसको 2 पे पावर 1, इस पोजीशन को 2 पे पावर 2, इस पोजीशन को 2 पे पावर 3, और डेसिमल के इस साइड वाले को 2 पे पावर -1, इसको 2 पे पावर -2। पॉइंट के बाद यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, -1 से स्टार्ट करेंगे, और पॉइंट के इस साइड में 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है, 8 है, 8 इंटू 1 प्लस ये क्या है, 4 है, 4 इंटू 0, ये क्या है, 1 है, 2 पे पावर 1 2 है, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, और डेसिमल के साइड वाले पार्ट को प्लस करेंगे, ये क्या है, 1 इंटू 2 पे पावर -1 इट मीन्स 1/2, 1/2 2 पे पावर -1 इट मीन्स क्या होगा, 1/2, 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 0.5 होता है, तो 0.5 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर -2, 2 पे पावर -2 इट मीन्स क्या, 1/2, 4, 1/4 इट मीन्स क्या, 0.25, तो 0.25। इसमें देखिए क्या आएगा, ये होगा 8, ये तो 0 0 0 प्लस ये 0.5, ये भी 0, तो ये हो गया 8.5। इट मीन्स ये जो बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ था इसका डेसिमल क्या होगा, 8.5। ये हमने देखा कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। अब हम रिवर्स करते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर हमें डेसिमल में नंबर दिया हो तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। जस्ट हम उसका रिवर्स करते हैं, जैसे 8 दिया हो, 8 हमारे डेसिमल में, और इसको क्या करना है, हमें बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। तो जब डेसिमल में नंबर दिया हो उसको बाइनरी में चेंज करना हो, तो डेसिमल नंबर को हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि डेसिमल है और बाइनरी में चेंज करना, बाइनरी बोले तो 2, तो 8 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जाए 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर 2 को इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। साइड बाय साइड हम रिमाइंडर लिखते जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में लिख देंगे, जैसे ऐसे, पहले 1 फिर 0 0 0,
थ्री टाइम्स जीरो लिख दिया। तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी, ये हमारा हो गया एट जो दिया हुआ था हमारे डेसिमल में वो हमारा चेंज हो गया किसमें, बाइनरी में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर 15 दिया हुआ है डेसिमल में और उसको हमें क्या चेंज करना है, बाइनरी में। डेसिमल में बाइनरी में चेंज करना है, क्या करेंगे हम, डेसिमल वाले को 2 से डिवाइड करेंगे, यह है 15, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से बन जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। कब तक डिवाइड करते रहते हैं, जब तक कि 1 ना आ जाए, 1 और 0, क्योंकि बाइनरी नंबर में हमें दो ही नंबर यूज करना होता है, 0 और 1, या तो हमारे लास्ट में 1 आएगा या 0 आएगा। ये आ गया 1, अब हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऊपर में लिख देंगे, तो 1 1 1 1, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। तो हमने देखा कि डेसिमल में दिया था तो बाइनरी में कैसे चेंज करना है, डेसिमल नंबर को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखा डेसिमल में दिया हुआ था, बाइनरी में चेंज करना था, 2 से डिवाइड करेंगे। और हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगर डेसिमल नंबर में पॉइंट वाला हो 5.5, ठीक है, ये दिया हुआ है डेसिमल नंबर में और हमें क्या करना है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, पहले डेसिमल के राइट लेफ्ट वाले को अलग चेंज करेंगे और राइट वाले को अलग चेंज करेंगे। इसको कैसे चेंज करेंगे, लेफ्ट वाले को जैसे करते थे लास्ट टाइम, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, फिर इसको नीचे से ऊपर, ये हो जाएगा 1 0 1। ये तो हो गया 5 का बाइनरी, अब हमें करना है 0.5 का बाइनरी। तो ये जो 0.5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल है बाइनरी में चेंज करना है, तो पॉइंट के बाद वाला जो भी डिजिट होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी हैव टू चेंज इन टू बाइनरी। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जै 10, 0.1। और कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक कि पॉइंट के बाद 0 ना आ जाए, ओके, उसके बाद के सारे नंबर 0 आने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर 0 और 2 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे 0 आ गए, उसके बाद तो उसके बाद से कोई नंबर है नहीं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पॉइंट, डेसिमल के इस साइड वाला जो भी नंबर होगा उसको लिखना है हमें 0.1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाइनरी, 5.5 जो डेसिमल में था उसका बाइनरी क्या हो जाएगा, 101.1। आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो कि ये बाइनरी दिया हुआ है और इसका डेसिमल ये हो रहा है या नहीं, तो 101.1 है। इस पोजीशन को क्या लेते हैं, 2 पे पावर -1, इस पोजीशन को 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, इसको कीजिए 2 2 जा 4, इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर -1, इट मीन्स क्या, 0.5, ये 4 प्लस 1 प्लस 0.5, ये तो 0 हो गया, क्या आ गया 5.5 आ गया, ये बाइनरी दिया हुआ था, हम इसको डेसिमल चेंज कर लिए। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे 40.52, ये हमें डेसिमल में दिया हुआ है और हमें इसको किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो क्या करेंगे, पॉइंट के इस साइड वालों को अलग चेंज करेंगे, पॉइंट के इस साइड वालों को अलग चेंज करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। 40 है, 2 से किया 20, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड किया 10, रिमाइंडर 0, फिर 2 से किया 5, रिमाइंडर 0, फिर 2 से किया 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, फिर इसको बॉटम 2 अप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0, ये तो हो गया 40 का बाइनरी, ठीक है। अब हमें करना है पॉइंट की साइड 0.52 का, 0.52 का हमें बाइनरी में चेंज करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2 से,
मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0.2 के बाद आ जाएगा 1.04। लेकिन हमारा पॉइंट के बाद 0.4 आ रहा है, 0.0 नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद वाले नंबर को फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड वाले का नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। पॉइंट के पहले वाला जो जो भी नंबर होगा इसको यहाँ पर पॉइंट लगा के लिख देंगे, और पॉइंट के बाद वाला जो भी नंबर होगा राइट साइड में उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.4 है या 4 लिखिए, तो इसको 0.04 लिखेंगे, 0.04, 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 0, फिर 0.8 आ रहा है, 0.8, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 16। पॉइंट के पहले 0 है और फिर पॉइंट के बाद 1.6 जा रहा है। इट मीन्स ये नंबर रिपीटेड होते जाएगा, ये आगे फिर 0.16 को भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 32.32। ये आगे एंड नहीं होने वाला है, तो आप इसको ऐसा कीजिए कि आप 2-3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप 2-3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि हमारा पॉइंट के बाद 0.0 आ रहा है, यानी 2-3 टाइम्स में अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके पहले वाला नंबर को लिख कर ऐसे छोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ये डेसिमल में था और इसका हो गया बाइनरी। तो हमने देखा कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल, जो भी हमारा रेस्ट है कन्वर्जन, उसको हम देखेंगे। थैंक यू।